हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी भोपाल में वसीम भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, खैरियत से हैं वसीम भाई? जी अल्लाह का शुक्र है शादाब। अभी 10-1 दिन पहले भी आपका वीडियो बनाया था, पूरा जो सेटअप है वो दिखाया और बच्चे दिखाए थे काफ़ी खूबसूरत, आपकी होम ब्रीड। सेल कर दिए वो सब? माशाल्लाह सेल हो गए बच्चे तो, ब्रीडर है, ब्रीडर भी दिखाया था अपन ने। बच्चे तकरीबन 8-10 थे, सब सेल कर दिए? जी 6 बच्चे थे सेल के लिए, ठीक पूरे हो गए सेल। और फीमेल थी? फीमेल में उसमें 4 फीमेल थी, 2 मेल थे। नहीं 4 मेल थे, 2 फीमेल थी। ठीक है, तो सभी कहाँ कहाँ सेल किया आपने? सादा भाई ये अपना उड़ीसा, 2 बच्चे और भोपाल में भी दिए और बॉम्बे। माशाल्लाह, तो अभी इस वीडियो के अंदर क्या लेके आए हैं? सादा भाई फरमाइश से, कस्टमर की फरमाइश ये थी कि बड़ी फीमेल लाइए, तो बड़ी तो नहीं लाए लेकिन बहुत नायाब 3 पार्टें लेकर आए जो कि 10 महीने की है, 10 से 11 महीने की। और आपने फोकस किया हुआ था हंसा ब्रीड के ऊपर, हंसा के अंदर ही लेके आए? जी माशाल्लाह 3 फीमेल लाए, ज़्यादा नहीं लाए लेकिन क्वालिटी वाली लाए तीनों, माशाल्लाह। और इसमें से 2 तो फीमेल अपने घर की हैं और 1 फीमेल ली हुई है हमारी, एक बाहर से परचेज की है, बाकी 2 होम ब्रीड है। जी ठीक है, इसी बच्चे से स्टार्ट करते हैं अपन। जी शादाब भाई माशाल्लाह बहुत नायाब चीज़ है, खूबसूरत क्वालिटी वाली। अभी कितने टाइम की है ये? ये शादाब भाई ये होगी तकरीबन 10-11 महीने की। माशाल्लाह क्या बात है, ये घर की है बाहर से की है? ये परचेज की है शादाब भाई। ये परचेज की हुई फीमेल है? जी शादाब भाई। कहाँ से परचेज की थी ये? शादाब भाई ये भोपाल से ली है, इटावा से आई थी ये 2 महीने पहले। ओके शादाब भाई, सामने वाले के पास जो हमारे दोस्त थे उनके पास सेट है ये। अच्छा, और उन्होंने फिर बेची, इरादा हुआ तो मैंने खरीद ली। माशाल्लाह, मैंने भी बोला पब्लिक को दिखाऊंगा, अगर पब्लिक लेगी तो, बाकी मैंने घर के लिए ली है समझ लो। माशाल्लाह वसीम भाई, फीमेल तो बहुत क्वालिटी की है, इसकी डिटेल्स और बता दें आप हमें। शादाब भाई ये अदंत है और अभी गैप भी नहीं करी है दांतों में, समथिंग हमारे हिसाब से तो ये 11 महीने की फीमेल है। ठीक है, इसको खड़ा करके दिखाओ आप, 11 महीने की फीमेल है, तो अभी ब्रीडिंग के लिए कब तक रेडी हो जाएगी ये? शादाब भाई हमारे पास रहेगी तो ये 2-4 दांत से पहले ब्रीड नहीं करेगी, बाकी कस्टमर तो जो भी और पालने वाले हैं वो 10 महीने 11 महीने में भी क्रॉस करवा देते हैं। आप लेकिन रोक के ही करवाते हैं? लेकिन हम रोक के करवाते हैं, उसमें क्या होता है बच्चे अपन को अच्छे मिलते हैं, हेल्दी। सही बात है, और बकरी की भी हेल्थ अच्छी रहती है उससे। जी शादाब भाई, और बकरी हो गई अपनी जो आपने बाहर से परचेज की है, प्राइस बताएंगे कितने की है? शादाब भाई प्राइस इनका पर्सनल में रखेंगे, एक आइडिया दे देंगे हम वीडियो के बाद, मतलब आखिरी में। ठीक है, उससे क्या रहेगा पब्लिक को आसानी होगी, बेहतर है। तो ये पहली हो गई फीमेल, इसके बाद ये फीमेल है, इसको भी खड़ा करो आप। ये आपके घर की है? जी शादाब भाई। लेकिन इसमें तो माशाल्लाह इस वाली से ज़्यादा अच्छा पंच आया है। शादाब भाई इसका पंच बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और हेल्दी फीमेल है ये। ये अभी फीमेल है 10 महीने की। 10 महीने की है? जी शादाब भाई। बहुत बढ़िया, तो इसकी जो माँ है वो भी आपकी होम ब्रीड थी या वो परचेस करके लेके आई थी? नहीं नहीं, ये जो है ये भी परचेस हुई है, छोटे में हुई है। अच्छा, मतलब बहुत छोटे, कितनी छोटी लेके आए थे आप? ये शादाब भाई 6 महीने की, 5 महीने की थी जब। अच्छा, जब आप लेके आए थे इसको, इटावा से ही मंगवाई थी? नहीं, यहाँ पर यहीं से खरीदते हैं शादाब भाई, जो सेट हो जाते हैं, इटावा से लेकर नहीं आते, सेट करने में दिक्कत होती है, जब सेट जानवर मिलता है जब ही लेते हैं यहाँ से। क्या दिक्कत आती है इटावा से आप लाते हो तो? शादाब भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है सेट करने में, उसमें और बीमार हो जाते हैं जानवर, बीमार होते हैं, बहुत सी परेशानी आती है, और ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि हमारी होम ब्रीड हम रखें। ठीक है माशाल्लाह, खैर फीमेल तो बहुत ही शानदार है, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह, तो उसको भी आप अगर चाहो तो फिर ये 4 दांत पे ही ब्रीड कराओगे? जी शादाब भाई। लेकिन ब्रीडिंग के लायक तो वो अभी भी हो गई, अगर कोई चाहे तो मेल लगा सकता है ना? शादाब भाई हंसा क्या होते हैं, दुबले होते हैं और दूध जो जब ही अच्छा आता है, जब वो बड़ी हो जाती है अच्छी तरीके से, मैच्योर हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, ये अभी हीट पे आती होंगी तो क्या करते हो आप? शादाब भाई क्रॉस नहीं करवाते, बकरा नहीं छोड़ते। बकरा नहीं छोड़ते उनके ऊपर? शादाब भाई ठीक है, कुछ टाइम के लिए हीट पे आती हैं फिर वापस बकरी नॉर्मल हो जाती हैं? 2 से 3 दिन हीट में रहती हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, बेहतर है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया ब्लड लाइन है ये भी। इसके बाद एक फीमेल और बची है तो उसे आप खोल के आगे ले आओ। ये भी बचपन से ही खरीदी थी आपने छोटी? जी शादाब भाई, जब ये 1 महीने की थी जब ली थी। 1 महीने की लेके आए थे? जी शादाब भाई। तो उनको पालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको इतनी छोटी बच्ची? नहीं शादाब भाई, क्या होता है हमारे पास जो है ना, बॉटल से दूध पिलाते हैं हम भैंस का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती शादाब भाई। अच्छा जी,
तो बहुत केयर करना पड़ती होगी, लेकिन इतनी छोटे बच्चों की तो मेहनत तो लगती है, लेकिन जो केयर हो जाते हैं ना, अगर अभी हम छोड़ेंगे इनको, ये मेरे पीछे पीछे आएंगे। अच्छा, क्या है, सेट हो जाती हैं अच्छी तरीके से। माशाल्लाह, तो ये कितने महीने की है अभी? ये सादाब भाई हो गई 8 महीने की। सादाब भाई 8 महीने की, मतलब ये और छोटी फीमेल है अभी? जी सादाब भाई। माशाल्लाह, क्या बात है, लेकिन बहुत खूबसूरत फीमेल है सादाब भाई। ये देखिए चेहरे में पंच बहुत शानदार भी है और कान कान गुलाबी पन है, बहुत शानदार है। गुलाबी तो है, गुलाबी के साथ साथ अच्छे लंबे कान है। जी सादाब भाई, हंसा के अंदर लोग यही चीजें देखते हैं। जी एक तो स्पॉटलेस हो जी, उसके साथ कान लंबे हो जी सादाब भाई, और गुलाबी हो, ये तीनों चीजें देखते हैं जी। अब वसीम भाई एंड में इतना और बता दो, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है प्राइस के लिए तो क्या रेंज आएगी एक? सादाब भाई ये तीनों फीमेल क्वालिटी वाली है, क्वालिटी सस्ती नहीं मिलती सादाब भाई। बिल्कुल सही बात है। और ये 40,000 रुपए के ऊपर की फीमेल है, और इसमें खास तौर ये से ये किसी को सेटअप अगर रेडी करना है तो ये तैयार सेटअप है सादाब भाई। ये तीन फीमेल से ऐसा सेटअप बनेगा एक नंबर का सादाब। बिल्कुल सही बात है, ब्लड लाइन जो है वो बहुत बढ़िया है, बस खाली एक अच्छे मेल की कमी है। अगर अच्छा मेल कोई ले लेता है, आपके पास तो खैर है जी सादाब, तो बढ़िया ब्रीड मिलेगी आगे ना? जी सादाब भाई, और ये खानदानी फीमेल है, ये भी परचेस करे है हमने तो देख के करे। बिल्कुल सही बात है, वो तो फीमेल क्वालिटी से ही दिख रहा है भाई कि बहुत आला क्वालिटी के अंदर है माशाल्लाह तीनों फीमेल्स। ठीक है, एक प्राइस रेंज आपने हमें कम से कम बता दिया। जी सर, अभी इस रेट के आसपास जो लोग खरीदार होंगे वही आपसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी सादाब भाई, कांटेक्ट करें, और बाकी नहीं भी करें तो आगे आएगी कुछ सस्ती चीज़ तो इंशाल्लाह उनका भी शौक कराएंगे। बिल्कुल सही बात है, अभी हर आदमी तो इतनी महंगी नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग अगर थोड़ी सस्ती भी चाहते हैं तो उसका भी कुछ इंतजाम आप करवाएं। जी इंशाल्लाह, अलग से मैं दूंगा उनको। बेहतर है, आप जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे इनके लिए वो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेंगे। वसीम भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सादाब भाई।